जय हिंद दोस्तों तो दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर ये सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कोड है बी सी एस जीरो इलेवन ये इग्नू बी सी के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है ठीक है यूनिट वन सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर देयर ऑरिजिन एंड एप्लीकेशन ठीक है तो आइए देखते हैं और हम लोग इसको पूरा डिटेल में सारा कोर्स कम्प्लीट करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है तो देखिये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है की परेज कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सेटाइल टूल क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींगस तो कंप्यूटर जो है सबसे ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल टूल है जो कि ह्यूमन बींगस के द्वारा क्रिएट किया गया है ठीक है बनाया गया है इन टूडे सीनारियो कंप्यूटर प्ले अ मेजर रोल इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इंफ्लुस आवर लाइफ इन वन वे और द अदर तो देखिए आज के सिनारियो में अगर हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हम लोग के लाइफ के हर एक

कैलकुलेट करना जैसे कैलकुलेटर होता है ना आप लोग यूज करते होंगे टू प्लस टू फोर ये सब तो कैलकुलेटर को कंप्यूटर बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है ठीक है एक तरह का कैलकुलेटर है जो कि जो काम हम लोग देते हैं उसको वो कैलकुलेट करके हमको रिजल्ट दिखाता है ठीक है तो कंप्यूटर वर्ल्ड का मतलब होता है कैलकुलेट करना ठीक है टू कैलकुलेट कंप्यूटर इज ऑल्सो फॉर कैलकुलेशन बट इट इज मच मोर देन जस्ट ए कैलकुलेटिंग मशीन कंप्यूटर को मतलब की एक कैलकुलेटर की तरह ही देखा जाता है लेकिन वो एक कैलकुलेटर से ज्यादा है मतलब एक कैलकुलेटिंग मशीन से बहुत ही ज्यादा है कि यानी कि पहले के जमाने कंप्यूटर और आज के जमाने में बहुत ही अंतर हो गया आज के जो है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो है, डिवाइस है? होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है बिना इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कंप्यूटर नहीं चला सकते ठीक है तो कंप्यूटर क्या करता है ये तीन बेसिक टास्क करता है वो क्या है पहला है इनपुटिंग कोई चीज इनपुट करना प्रोसेसिंग उसके बाद उसको प्रोसेस करना कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उसके बाद आउटपुटिंग वो फिर आपको आउटपुट देगा ठीक है इनपुट डाटा इनपुट डाटा को रिसीव करने के बाद कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन द यूजर ऑन दिस इनपुट उसके बाद कंप्यूटर परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑपरेशन जो की रिक्वायर होता है यूजर के द्वारा ऑन इनपुट यानी जो इनपुट यूजर देता है उसमें जो भी वो पूछता है वो चीज वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है ठीक है फाइनली अ कंप्यूटर जनरेट द रिजल्ट प्रोसेस डाटा एज द आउटपुट थ्रू वेरियस आउटपुट डिवाइस उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है जनरेट करता है रिजल्ट जो भी आता है उसके बाद उसको प्रोसेस करता है डाटा को उसके बाद उसको आउटपुट देता है वेरियस आउटपुट डिवाइसेज में अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या होता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सब कुछ पढ़ेंगे ठीक है हेंस अ कंप्यूटर इज ए डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस इसलिए हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें डाटा प्रोसेस होता है दिस यूनिट विल प्रोवाइड डिटेल अबाउट प्रोवाइडर इस यूनिट में हम लोग पूरा पूरा डिटेल डिटेल में डिटेल में में पढ़ेंगे ये यूनिट प्रोवाइड करेगा हमको कंप्यूटर के बारे इट्स ओरिजिन ओरिजिन उसका origin कहां पे है एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन अबाउट कंप्यूटर डिफरेंट कम्पोनेट उसके अलावा और भी जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं जो पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे देयर अपलिकेशन एंड सम करेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म ऑफ कंप्यूटर उसके अलावा उसके क्या अप्लीकेशन होते हैं उसके अलावा जो जो करंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर के ठीक है सब कुछ हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म थ्री बेसिक टास्क कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो की तीन बेसिक टास्क परफॉर्म करता है इनपुटिंग प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक है सिंस कंप्यूटर इज वास्टली यूज फॉर मेकिंग कैल्कुलेशन और कंट्रोलिंग ऑपरेशन दैट आर एक्सप्रेसबल इन न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्मिनोलॉजी येट द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम एवेकस एंड इट्स जर्नी

कंप्यूटर के उसके अलावा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर का क्या लिमिटेशन होता है वो भी पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ कहाँ कैसे बना था कंप्यूटर ठीक है ओरिजिन रिगोरियस एफर्ट ऑफ मैन टू काउंट लार्ज नंबर तो कंप्यूटर का जो ओरिजिन हुआ था ये कैसे शुरू हुआ था जैसे लार्ज नंबर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े नंबर जैसे होते हैं उनको काउंट करने के लिए मैं परेशानी होती थी लोगों को तो फिर कंप्यूटर का वहां से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है ठीक है दिस प्रोसेस ऑफ काउंट उिंग ऑफ लार्ज नंबर जनरेटेड वेरियस सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन लाइक बेबीलोनियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ग्रीक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन रोमन सिस्टम ऑफ रेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ तो देखिए ये इसका प्रोसेस जो है काउंटिंग का जो लार्ज नंबर में ये जनरेट हुआ फिर अलग अलग सिस्टम बना ठीक है जैसे कि नंबर सिस्टम को काउंट करने के लिए बहुत अलग अलग सिस्टम बने जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बेबीलोनियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन उसके अलावा और था ग्रीक सिस्टम ऑफ

का यही एक मतलब की इस टाइम पे बेसिस है जो मॉडर्न हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स जो है जीरो से नौ तक होते हैं ठीक है तो यही सिस्टम है जो बेस है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे ठीक है। उसके अलावा अब देखते हैं हम लोग एबेकस क्या होता है नियरली फाइव थाउजेंड इन लगभग पांच हजार साल पहले द एबेकस वॉज डेवलप्ड इन चाइना इन थ्री थाउजेंड बीसी तो एबेकस चाइना में डेवलप किया गया था लगभग तीन हजार बीसी में द वर्ल्ड एबेकस मीन कैलकुलेटिंग बोर्ड एबेकस का मतलब होता है कैलकुलेटिंग बोर्ड

करने के लिए ठीक है मॉडर्न फॉर्म ऑफ एबेकस इज गिवन इन फिगर 1.1 तो एक मॉडर्न फॉर्म एबेकस का दिया हुआ है फिगर 1.1 आइए देखते हैं देखिए ये है एबेकस और इस तरह से कैलकुलेट करते हैं शायद आप लोगों ने इसको बचपन में यूज किया मैंने तो यूज किया है बचपन में आप लोग बताइए कमेंट में आपने यूज किया है इसको कैलकुलेट करने के लिए तो इसको मैं जैसे होता है एड करने के लिए करने के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है एबेकस इसी तरह दिखता है द एबेकस इज ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग फ्रेम एबेकस को हम लोग काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं देखिए ये फ्रेम की तरह नहीं लग रही है फोटो रखते हैं तो काउंटिंग फ्रेम इसको बोला जाता है विच इज अ कैलकुलेटिंग टूल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि एक कैलकुलेटिंग टूल है जिसको परफॉर्म किया जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन ठीक है द चाइनीज चाइनीज एबेकस एबेकस फ्रेम होल्डिंग वायर जो है उसके अंदर एक फ्रेम है जो की वर्टिकल वायर को होल्ड किया हुआ है उसके बाद विथ सेवन बीट्स ऑन ईच वायर उसके अलावा सात बीट्स है सभी वायर पे ठीक है हॉरिजोनटल डिवाइडर सेपरेट द टॉप टू बिट्स और एक हॉरिजेंटल कि डिवाइडर लगा हुआ है जो कि टॉप मैप की डिवाइड करता है दो बिट्स में ठीक है फ्रॉम द बॉटम फाइव जो कि नीचे पांच है ठीक है तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो देखिए ये डिवाइडर बना हुआ है ठीक है उसके बाद नीचे देखेंगे तो पांच है ऊपर दो है ठीक है तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है समटाइम्स रिफर टू एस हेवन एंड द अर्थ ब्रिड और कभी कभी इसको मैप के ऐसे रिफर करते है की एक हेवन है और एक अर्थ है ठीक है द अर्थमेटिक कैलकुलेसन आर परफॉर्म बाई मैनुपुलेटिंग द बीट्स बाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोजिशनल वेट ऑफ बीट्स ऑन आर राइट तो जो आर्थमेटिक कैलकुलेसन है वो परफॉर्म किया जाता है मेनुपुलेट करके जो बीट्स है उसमें बीट्स क्या है बीट्स इसको बोलते हैं ये जो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है ना इसको बीट्स बोलते हैं ठीक है तो बीट्स को मैं करके, नीचे करके, इस तरह से छोटे बच्चों को ये सिखाने के लिए काउंटिंग कैसे की जाती है ठीक है स्किल एबेकस ऑपरेशन कैन बी एज फास्ट एज हैंड हेल्ड कैलकुलेटर तो जो एक स्किल एबेकेस ऑपरेशन है वो एक तरह से एक की तेज हो सकता है एक

प्रॉब्लम तो जो वर्ल्ड लोक्स है ये इनेबल करता है उनको रिड्यूस करने में कोई भी मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम हो गई जॉन नेपियर बिल्ट अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन 1617 एडी द डिवाइस वाज नोन एज सिक्स बोन तो जॉन नेपियर जो थे उन्होंने एक बिल्ड किया एक मैकेनिकल डिवाइस जिसका पर्पज था मल्टीप्लीकेशन करना सोलह एडी में ठीक है सोलह एडी में इन्होंने ये डिवाइस को इन्वेंट किया जो की जाना जाता था बोन्स के नाम से ठीक है स आर सेट ऑफ इलेवन रॉड उनके जो बोन्स थे वो उसमें क्या था इलेवन रॉड था साइड बाई साइड में प्रोडक्ट एंड कोर्टिटेंट ऑफ लार्ज नंबर कैन बी ऑप्ट उसके अलावा उसमें कोर्टिटेंट थे जो लार्ज नंबर के जो कि ऑप्टन किए गए थे ठीक है द स्टिक वर कॉल्ड बोन्स जो स्टिक उसमें लगे थे उसको बोन कहते हैं अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज ठीक है अभी समझ लीजिए थोड़ा बिकॉज दे वर मेड ऑफ बोन ऑफ आइवरी तो जो स्टिक थे उनको बोन कहा जाता है क्योंकि वो लोग बने थे बोन ऑफ आइवरी से ठीक है तो ये देखिए ये है नेपियर बोन ठीक है तो इस तरह का नेपियर बोन था जो कि सोलह सत्रह में इन्वेंट किया गया था कुछ इस तरह से दिखता था और इसको किस लिए यूज होता था इसको यूज किया जाता था मल्टीप्लीकेशन के लिए अब बढ़ते हैं आगे अब देखते हैं स्लाइड रूल क्या होता है इंग्लिश मैथमेटिशियन ई गटर डेवलप द स्लाइड रूल इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ई e. गंटर जिन्होंने डेवलप किया था स्लाइड रूल दिस मशीन कुड परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन तो ये मशीन परफॉर्म कर सकती थी ऑपरेशन जैसे की हो गया एडिशन सब्ट्रेक्शन हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया और डिविजन हो गया तो so, यानी ये चारों चीज परफॉर्म कर सकती थी ऑल दो द स्लाइड रूल अपियर इन वेरियस फॉर्म ड्यूरिंग जो स्लाइड रूल थी वो कंसिस्ट करती थी दो मूवेबल रूलर यानी कि दो रूलर मतलब पटरी जिसको बोलते हैं हम लोग जो कि प्लेस था साइड बाई साइड यानी बगल बगल में प्लेस था इस रूलर इज मार्क ऑफ इन सच अ वे दैट द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रूलर आर प्रोपोर्शनल टू द लोबरिंग ऑफ द नंबर प्रिंटेड थे और वो लोग प्रोपोर्शनल थे जो भी लोबरिज्म थे नंबर प्रिंटेड ऑन द रूलर ठीक है बाय स्लाइडिंग द रूलर वन कैन क्विकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और सिर्फ रूलर को स्लाइड करने से ही कोई भी आदमी जल्दी से मल्टी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता था ये देखिए ये है रूलर ठीक है तो इस तरह का था रूलर आप लोग जहाँ फोटो में देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता था ये रूलर यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता था